गुड आफ्टरनून वंस अगेन गाइस. गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून. कुछ खाया पिया तुम लोगों ने? गुड यस, आवाज आवाज सब बढ़िया मेरे एंड से. तो सो गाइस, स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का यूपीएससी 101 पे. ये थंबनेल लगाना मैं भूल गया यार, सॉरी. यस, वैदेही, साक्षी, दिव्या, सबको बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून. एक बार जल्दी से बता दो, क्लास शुरू हो गई है. और गाइस, इसको एनसीईआरटी से पहले ख़त्म करना है, मतलब इस सेशन को. छोटा सा सेगमेंट है, बहुत बड़ा इसे नहीं रखेंगे. ये थोड़ा सा मैं यहाँ पे लिखना भूल गया. दिस इज़ पार्ट थ्री, नॉट पार्ट टू. पार्ट टू तो हम कर चुके हैं, ठीक है. दिस इज़ पार्ट थ्री. सो गवर्नर जनरल और वाइस राय की जो हमारी लिस्ट थी, रिया, गुड आफ्टरनून, आफ्टरनून, वैदेही, साक्षी, वैदेही लगता है तुम फ्री वॉज, मूनदीप, निकिता यार, हेतवी, हेतवी पटेल, हेतवी, ऑल राइट. साक्षी, नो सर, नहीं खाया मैंने तो. खा लिया चार ब्रेड में बटर लगा के और उसको सेक कर तवे पर और उसके बीच में मेयोनीज रख के. हालांकि बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन खा लिया मैंने. 5-7 मिनट लगा, लेकिन उसी में थोड़ा सा 5 मिनट लेट भी हो गया, ठीक है. यस, यूपीएससी जर्नी फ्रॉम बिहार. गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, मोनदीप, प्रवीण बाबू, साक्षे. सो गाइस, चलो. सर मैं भी हूँ. यस प्रवीण, तुम भी हो. पिछली क्लास में तो तुम दिख नहीं रहे थे, तभी लेट हो गया. यस निकिता, इतनी जल्दी, ऑल राइट. यस यस यस, चलिए तो बता दो यार, एक बार शेयर कर दो जल्दी से. तो गवर्नर जनरल पार्ट थ्री में हम चलते हैं. अब देखो, जो भी है ना, ये एनसीईआरटी वाले सेगमेंट से पहले हमें इसे ख़त्म करना है. 3 जुलाई है ना, तो अच्छा है, एक अच्छा सा सिनॉप्सिस आपको गवर्नर जनरल और वाइस रॉय का मिलेगा. जब भी मन करेगा आप इसको रिवाइज कर सकते हो. फिलहाल जब आप एनसीईआरटी वाले सेगमेंट में एंटर करोगे, ठीक है, तो उसके पहले थोड़ी बहुत जो जानकारी आपको मिलेगी वो भी अच्छी होगी, मतलब काफ़ी यूजफुल होगा, ठीक है. हाँ सर, खाना खा लिया, खिचड़ी बनाया और अभी कॉपी पेन लेके बैठे हैं. अच्छा चलो भाई, जो लोग नए हो यहाँ से जुड़ जाना, दैट इज टेलीग्राम चैनल स्टडी विद अभिषेक एंड अंडरस्कोर अनअकैडमी. जो लोग भी, जैसे हेतवी वॉज लाइक वन न्यू स्टूडेंट हु वॉज लाइक अपियरिंग टू मी एज समथिंग न्यू, तो आप लोग जुड़ सकते हो. आप लोग भी इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स, सॉरी टेलीग्राम चैनल पे आप लोग जुड़ सकते हो, ठीक है. कहाँ है सब भाई, हिस्ट्री में सब गायब. लीवर और दारूबाजी की बात हो रही थी तो सबको बहुत मजा आ रहा था, ठीक है. हिस्ट्री में सब गायब हो गए, कोई बात नहीं, वापस घूम के मेरे पास ही आओगे, ठीक है. आज नहीं तो कल वापस घूम के मेरे पास ही आना है, ठीक है. मेरी बातों को ही मानना है. आज मत मानो, कल मानना शुरू कर ही दोगे. इसमें कहीं से कोई दो मत वाली बात है ही नहीं, ठीक है. चलिए, तो मैंने आप लोगों को याद करने के कुछ तरीके बताए थे कि भाई कैसे इन गवर्नर जनरल्स और वॉइस रॉयस की सूचियों को याद रखें. तो उसमें एक बात मैंने आपको बताई थी कि 3 भागों में इसे बांट दो. एक 1770 से पहले, एक 1773 से 1857 के बीच में, एक बेसिकली 1857 के बाद. 1773 के पहले वाले जो लोग हैं वो सिर्फ गवर्नर कहे जाएंगे. 1773 से 1857 के बीच में बेसिकली गवर्नर जनरल का शब्द आएगा और 1857 के बाद वही शब्द वॉइस रॉय में बदल जाएगा. ये सब कहानी हम देख चुके हैं. सर मेरा कल एंट्रेंस ज्योग्राफी का पेपर था सर, पर मैं जैसे क्वेश्चन आया इस बार वैसे क्वेश्चन आए हुए थे सारे. अच्छी बात है ना साक्षी, तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है. अच्छा सुनो, अब इसमें आगे बढ़ते हैं. वेरी नाइस, अगर ऐसी कोई बात है तो. इसमें आगे बढ़ते हैं तो 3 फाउंडिंग फादर्स का हम लोग देखो. सारी सूची कितनी बड़ी है तो आपको अच्छे से पता है, और इतना रटना तो भाई कहीं से भी मुश्किल वाली बात है, असंभव वाली बात है, और करने की ज़रूरत भी नहीं होती है, करने की कहीं से ज़रूरत भी नहीं होती है. तो मैंने कुछ लोगों का नाम, जैसे शुरू में 3 फाउंडिंग बिग फाउंडर्स का नाम मैंने आपको बता दिया. रॉबर्ट क्लाइव को हमने देख लिया था, वैरेट हेस्टिंग्स को हमने देख लिया था, कॉर्नवालिस को हमने देख लिया था. अब कॉर्नवालिस का टाइम फ्रेम अगर गाइस तुम देखोगे ना यहाँ पे, तो कॉर्नवालिस यहाँ पे देखो, कॉर्नवालिस 1786 से 1793 के बीच में है. मतलब यहाँ पे अगर आप कॉर्नवालिस का टाइम देखोगे तो 1786 से 1793 के बीच में है. द फादर ऑफ द सिविल सर्विसेज एंड ऑल दोज थिंग्स, इन्हीं के लिए इनको जाना जाता है, ठीक है. जमींदारी प्रथा, परमानेंट सेटलमेंट, ये सब सबसे खूनी आतंकी जो चेहरा है इनका, ये तीनों लोगों को हमने देख लिया था. अब इसके बाद बहुत सारे नाम है, देखो जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत सारे नाम है, लेकिन सब नामों के बारे में पढ़ना कहीं से भी ज़रूरी नहीं है, कोई नहीं पूछेगा. जैसे देखो 1793 में आप यहाँ तक आए, शुरुआती ये 3 लोग बड़े इंपॉर्टेंट है. क्लाइव साहब, तो उनसे तो दुनिया शुरू हुई है इन पदों की. तो क्लाइव, वैरन हेस्टिंग्स, कॉर्नवालिस, ये 3 लोग तो शुरू शुरू में 3 बिग फाउंडिंग फादर्स के रूप में जाने ही जाएंगे.
अब उसके बाद ये जॉन शोर है, पढ़ने की जरूरत नहीं है। वेलेसली वेरी इंपॉर्टेंट, उनको देखेंगे। लॉर्ड मिंटो वन, ये कहीं से इंपॉर्टेंट नहीं है। मिंटो टू थोड़े से इंपॉर्टेंट होते भी हैं। हेस्टिंग्स, एमरेस्ट, इन सब के बारे में देखना नहीं। हाँ, उसके बाद आप विलियम बेंडिक पे आओगे, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद एलन बोर, कहीं से कोई जरूरत नहीं है, ये नाम भी किसी ने नहीं सुना हुआ है, ठीक है। लॉर्ड हार्डिंग, हार्डिंग के बारे में थोड़ा देखा जा सकता है, लेकिन नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। ये हार्डिंग वन, हार्डिंग टू यहां पे भी आते हैं, कि लॉर्ड हार्डिंग टू 1911-12 के आसपास में, ये इंपॉर्टेंट होते हैं। हार्डिंग वन इज नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट। तो लॉर्ड कैन डलहौजी, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग। तो कहने का मतलब ये है कि 1857 की क्रांति तक, बेसिकली 1800 शुरू शुरू में, आपको देखो याद करने का तरीका मैं बताता हूं, क्लाइव में यही तरीका है जो डिकोड करना है आपको, एंड में इसी का पता चलेगा। शुरू शुरू में क्लाइव एक नाम, वैरन हेस्टिंग्स दूसरा नाम, कॉर्नवालिस तीसरा नाम, ये तीन नाम तो डेफिनेटली जो हम लोगों ने पढ़ लिया। उसके बाद कॉर्नवालिस 1793 तक कहीं जाएंगे, उसके बाद आप लोगों को बहुत कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। बस एक वेलेसली का नाम, लॉर्ड वेलेसली, ये मिंटो वगैरह, मिंटो वन, हार्डिंग वन, ये लोग इंपॉर्टेंट नहीं है। ये लॉर्ड एमरेस्ट, हेस्टिंग्स, कोई नहीं पूछ रहा। उसके बाद सीधा लॉर्ड वेलेसली, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद विलियम बेंटिक, वेरी इंपॉर्टेंट। ये एलन बोर्ग, ये विल्वर फोर बर्ड, कोई नाम भी नहीं जानता। लॉर्ड हार्डिंग वन, नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट। हार्डिंग टू थोड़ी इंपॉर्टेंट भी है, यहाँ पे राजधानी वाजधानी बदलती है इनके समय पे, तो ये थोड़ी इंपॉर्टेंट भी है, अटैक वटैक होता है। तो उसके बाद फिर लॉर्ड डलहौजी, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड लॉर्ड कैनिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। कहने का मतलब, लॉर्ड कैनिंग का टाइम देखो 1858 है। कहने का मतलब कि कॉर्नवालिस के बाद सिर्फ चार नाम आपको याद रखना है, सिर्फ चार नाम 1857 की क्रांति तक, सिर्फ चार नाम, दैट इज वेलेसली, विलियम बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी एंड लॉर्ड कैनिंग। तो वही में शुरू के थ्री फाउंडिंग फादर्स, रॉबर्ट क्लाइव, वैरन हेस्टिंग्स, कॉर्नवालिस। आगे जब पढ़ोगे तो फोर बिग बीज आफ्टर थ्री गॉडफादर्स, ऐसे याद रखना है। फोर बिग बीज, फोर बिग बी, बिग बी मतलब समझते हो ना, फोर बिग बीज आफ्टर थ्री गॉडफादर्स। ये थ्री गॉडफादर्स कौन थे? वही क्लाइव, वैरन हेस्टिंग्स एंड दिस कॉर्नवालिस, तीनों को हम लोगों ने निपटा ही लिया है। अब इन चार बिग बी को निपटाएंगे, कौन कौन? वेलेसली, विलियम बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी एंड लॉर्ड कैनिंग। यकीन मानिए, लॉर्ड कैनिंग तक पहुंचते पहुंचते 1857 की क्रांति हो जाएगी, ठीक है, और उसके बाद 1857 के बाद वाले नाम में हम चलेंगे, ठीक है। यस, अनामिका, निशा, सबको, सीमा, मंजीत, सृष्टि, गुरमीत, राधे राधे, ठीक है। बस हिस्ट्री वाले क्लास की इतनी इज्जत है, ठीक है, तुम लोग ऐसे ही पढ़ लो, तुम लोग मासूम हो अभी, ठीक है, तुम लोग इतना ही पढ़ लो बस, ठीक है। बस एड्रेनलिन रश होना चाहिए, तभी मज़ा आता है बाबू और बच्चियों, ठीक है, बाबूज एंड बेबीज। यूपीएससी तुम लोग समझ नहीं पा रहे हो अभी, कोई बात नहीं, दो तीन साल बाद ही समझना है तो फिर मैं क्या ही कर सकता हूँ, ठीक है। एनीवे, चलिए, तुम लोगों को लगता है कि एनसीईआरटी की हिस्ट्री आएगी, उससे मेरा हिस्ट्री एकदम दिवंगत हो जाएगा, महान हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, एकदम ठीक है। नहीं, चलो, शेयर वेयर हो गया, वो ज़्यादा बुलावा देने की कोई ज़रूरत नहीं है, पकड़ पकड़ के लाने की किसी को ज़रूरत नहीं है। जिनको आना है आएंगे, एक बार कहना है कह दिया ना, उसके बाद अब ज़्यादा तकलीफ़ उठाने की ज़रूरत नहीं है। जिनको फिक्र नहीं है यार, उनको कितना तुम फिक्र दिला सकते हो, ठीक है, आराम से क्लास करो। तो जो लोग हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो जैसे देख रहे हो, हिंदू वाली क्लास में लीवर वाला, जब हम शराब, दारू, ये सब की बात कर रहे थे, कितने लोग खुश थे, मुझे लग रहा है अरे हिंदू पढ़ के तो मतलब जीवन समृद्ध हो जाएगा, ठीक है। तो हिंदू वाली क्लास में, साइंस वाली क्लास में अपने, उसमें सब लोग रहते, हिस्ट्री वाली क्लास में गए, ओहो एनसीईआरटी शुरू होने वाला है, उसी में पढ़ लेंगे सारी हिस्ट्री, मासूमो। अब मैं क्या ही कर सकता हूँ, ये बात कहीं गलत मुझे दिखती ही नहीं है कि 100 में से 95 लोग तो कभी तैयारी कर ही नहीं पाते हैं अपने इन्हीं विचारधाराओं की वजह से। रिजल्ट तो सिर्फ 5 लोगों में से आता है, ठीक है, ये फैक्ट है, ये फैक्ट है। अभी एनसीईआरटी शुरू भी होगा ना, देखना, शुरू होगा तो 10 दिन तक क्या जोश रहेगा, मतलब ये कर देंगे, वो कर देंगे। विद इन 15 दिन पॉपुलेशन आधा हो जाएगी, सब जोश खत्म, सब कहानी खत्म, सब यूपीएससी करने निकले, सब डीएम और एसपी बनने निकले। तो ये फैक्ट आपको खुद रियलाइज करना है। मैं जंक फूड के बारे में बता रहा था,
ठीक है, सुन के बहुत मजा, बाहर निकल के बर्गर ही चबाओगे, बाहर निकल के पिज्जा ही चबाओगे, ओ माई गॉड मैं तो पिज्जा के बिना रह ही नहीं सकता, मैं तो पिज्जा के बिना रह ही नहीं सकती। ठीक है, दिस इज, और अंत में फिर हम ब्लेम किसके किसको करेंगे, ओहो मेरा समय ही ठीक नहीं था, मेरा किस्मत ही ठीक नहीं था, मैं क्या करूं, ठीक है मेरे से हो ही नहीं पाता है, मेरा समय खराब चल रहा है, समथिंग लाइक दैट। बट क्या खुद जो खराब कर रहे हो उसे तुम देख रहे हो भाई, समय को बाद में ब्लेम करना। चलो, तो तीन फाउंडिंग फादर्स के, चार फाउंडिंग, तीन फाउंडिंग फादर्स के बाद चार बिग बी का नाम आपको याद रखना है, लॉर्ड वेलेस्ली, विलियम बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, एक एक साथ ऐसे ही है। उसके अलावा ये जो सारी सूची है ना, इसमें कहीं से कोई तकलीफ वाली बात है ही नहीं, जितना बता रहा हूं बस उतना ही पढ़ना। शुरू में मैंने तीन नाम बताए, शुरू में मैंने तीन नाम यहां पे बताए, अब इतने दूर के लिए मैं चार नाम बता रहा हूं, थ्री फाउंडिंग फादर्स यहां पे और फोर बिग बी यहां पे। अब फोर बिग बी में जब आप अंदर चलते हैं तो फोर बिग बी में नाम याद रख लेते हैं। फोर बिग बी में कौन कौन से है, पहले वेलेस्ली हैं कॉर्नवालिस के ठीक बाद, ठीक है, उसके बाद विलियम बेंटिक, उसके बाद लॉर्ड डलहौजी, उसके बाद बेसिकली लॉर्ड कैनिंग। शुरुआत करते हैं अपनी इनसे, लॉर्ड आर्थर वेलेस्ली से शुरुआत करते हैं। मुंदीप फोकस ऑन द क्लास, ठीक है, वेलेस्ली ये राइट आफ्टर द कॉर्नवालिस आए थे। कॉर्नवालिस का टाइम अगर आप देखोगे, अगर तुम्हें कॉर्नवालिस का टाइम याद है तो ये 1786 से 1793 था। कॉर्नवालिस का टाइम अगर याद है तो 1786 टू 93 था। तो उसके बाद एक और छोटे नन्हे मुन्ने बालक बीच में आए, कोई बात नहीं छोड़ो हटाओ उनको, जॉन शोर कहते हैं। वेलेस्ली पे आओ, जबरदस्त इंसान, जबरदस्त इंसान, अ ग्रेट पर्सन फिल्ड विथ द ब्लड ऑफ इंपीरियलिज्म, ठीक है, एंड कॉलोनियलिज्म, उपनिवेशवाद को एकदम अपनी ऊंचाइयों पर ले जाके 1857 की क्रांति से पहले अगर किसी ने आबाद किया है तो उसमें दो नाम आता है, एक वेलेस्ली साहब का और एक अंत में डलहौजी। और इन दो लोगों के, ठीक है, पराक्रम से, ठीक है, उबकर ही शायद 1857 की क्रांति हुई, ऐसा कह सकते हैं। तो उसमें मतलब उपनिवेशवाद को बेसिकली, या फिर आप कह ले तो साम्राज्यवाद को एक अलग ऊंचाइयों तक ले जाने के बाद, तीन फाउंडिंग फादर्स के बाद चार बिग बी आएंगे। उसमें पहला बिग बी है वेलेस्ली, 1798 से 1805, मतलब राइट आफ्टर व्हाट, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो एक तरफ ना हम एक चेन भी बनाते जाएंगे, अंत में तुम्हें याद हो जानी चाहिए चीजें, एक चेन बनाते चलेंगे हम अंत में। मतलब ऐसे कि हमने शुरुआत कहां से की थी, क्लाइव से। तुम भी जहां भी लिख रहे हो ना साइड में लिखते चलना हमेशा, ठीक है, क्लाइव के बाद किसको याद रखना है, वेरन हेस्टिंग्स को, इसके बाद किसके याद रखना है, कॉर्नवालिस को। अब कॉर्नवालिस के बाद कौन आ गए हैं, ठीक है, वेलेस्ली, यहां तक हमारी चेन है, लॉर्ड वेलेस्ली तक हम पहुंचे हैं, तो वेलेस्ली तक हमारी चेन है। चौथा नाम याद रखना है, इन लोगों को हमने बोला है थ्री फाउंडिंग फादर्स। और अब जो चार नाम आएंगे, एक दो तीन चार, ये चौथा नाम 1857 की क्रांति तक आ जाएगा, इनको बोलेंगे आप फोर बिग बीज, थ्री फाउंडिंग फादर्स, फोर बिग बीज, ठीक है। नाउ सी, उसमें पहला नाम वेलेस्ली, पढ़ा चुका हूं मैं आपको, वेरन हेस्टिंग्स को रिंग ऑफ द फेंस पॉलिसी के लिए जाना जाता था, इफ यू रिमेंबर, रिंग फेंस पॉलिसी याद है ना, कल बताया था मैंने रिंग फेंस पॉलिसी, और वहीं पे मैंने डिफ्रेंशिएट किया था सब्सिडियरी अलायंस से। सो आई होप यू रिमेंबर कि रिंग फेंस पॉलिसी और एक दो शब्द, कल हमने देखा था रिंग फेंस पॉलिसी, इसके लिए हमें याद किया था वेरन हेस्टिंग्स को। वहीं पे मैंने बताया था आपको सब्सिडियरी अलायंस के बारे में, इसको हिंदी में, इसका हिंदी तो हमें नहीं मिल पाया था लेकिन इसका हिंदी मिला था, एंड दैट इज कॉल्ड सहायक संधि। सहायक संधि के लिए हमने याद करना है अब वेलेस्ली साहब को, और दोनों में डिफरेंस कल मैंने आप लोग को बताया था, याद है कि नहीं, टॉप फ्लोर में छप गया है, याद है। रिंग फेंस पॉलिसी में क्या होता था, रिंग फेंस पॉलिसी में वेरन हेस्टिंग्स साहब कहते थे कि हम तुमको बेसिकली सुरक्षा देंगे, हम तुम्हारे अंगरक्षक हैं, हम तुम्हारे बॉडीगार्ड हैं, बदले में हमको तुमसे चाहिए पैसा, ठीक है। वेलेस्ली साहब एक कदम और आगे गए, याद है ना, वेलेस्ली साहब एक कदम और आगे गए सब्सिडियरी अलायंस में, इन्होंने कहा ठीक है कि हम तुम्हारे बॉडीगार्ड जरूर हैं और बदले में हमको तुमसे पैसा भी चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन
हम अपनी सेना तुम्हारे राज्य में रखेंगे, अपनी सेना तुम्हारे राज्य में रखेंगे। एक कदम और आगे गए और ये कदम बहुत खुराफाती था। ये जो सेना राज्यों में जाती थी ना, ये बेसिकली शासन प्रशासन में इंटरफेयर करने लगती थी और धीरे धीरे उस राज्य को निगल जाती थी। सो दैट वॉज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दिस रिंग फेंस पॉलिसी एंड दिस सब्सिडियरी अलायंस ऑफ लॉर्ड वेलेस्ली। देखिए, लॉर्ड वेलेस्ली बेसिकली ये जो सहायक संधि बेसिकली लेके आए हैं ना, इसके पीछे एक सबसे मूलभूत कारण क्या था, ठीक है, नेपोलियन का डर। वर्ल्ड हिस्ट्री में आप लोग को पढ़ाऊंगा, ठीक है, लेकिन अभी नेपोलियन का नाम तो सुना ही हुआ है। दुनिया में कुछ ऐसे शासक हुए हैं जिनको इतिहास बेसिकली हमेशा याद रखेगा उनके शासकीय अंजामों के लिए। मतलब नेपोलियन वैसा ही एक शासक है, मिसाल दी जाती है, हु इज नोन एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया, जिसने अपने जीवन में कोई लड़ाई हारी ही नहीं, पूरे यूरोप पे लगभग अकेला शासन करने वाला। वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ाऊंगा आप लोगों को, बट अभी तो एक पता, इतना तो पता है ना कि वॉज अ ग्रेट एम्पायरर और फाइटर ऑफ द टाइम। ये उसकी का समय है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन का टाइम जो होता है ना, 1789 का टाइम है, और फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद नेपोलियन का जबरदस्त उद्भव होता है, ठीक है। और ये वही नेपोलियन है, कहाँ का है, फ्रांस का है, और आपको अच्छे से पता है कि फ्रांस और यूके की, कहीं ना कहीं तो ये बात सुनी होगी, अभी तक इतना पढ़ रहे हो और अपने आप को यूपीएससी का कैंडिडेट कहते हो तो इतना तो पता ही है कि फ्रांस और यूके में जन्म जन्मांतर की दुश्मनी रही है, चाहे वो कहीं भी रही हो पहले, मतलब इस कॉलोनियल टाइम से पहले ऐतिहासिक रूप से ये लोग हमेशा लड़े हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो नेपोलियन का जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद जबरदस्त एक बार उसका जब ग्रोथ हुआ, इमर्जेंस हुआ, तो नेपोलियन से डरने लगा भारत भी। भारत क्यों डरने लगा, क्योंकि भारत में, ठीक है, बैठे कौन हुए हैं, अंग्रेज, और ये अंग्रेज जो इंग्लैंड ब्रिटेन वाले हैं, नेपोलियन के हैं जानी दुश्मन। अब नेपोलियन इंडिया पे अटैक करेगा इंग्लैंड को धोने के लिए, इस डर से इंडिया भी बैठा हुआ है। और अब बेसिकली नेपोलियन का जो ये इमर्जेंस हो रहा है, इसकी वजह से इंडिया में जो ब्रिटिशर्स हैं उनकी भी हालत सूख गई है, बिकॉज नेपोलियन वॉज टेरिबली सुपर्ब। पढ़ोगे वर्ल्ड हिस्ट्री में, ही वॉज अमेजिंग। और इस डर से बेसिकली अब जब अंग्रेज लोग ना अपने आप को सशक्त करने की कोशिश कर रहे हैं, कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए ये संधियां हो रही हैं, सब्सिडियरी अलायंस, जिसके तहत बेसिकली न जाने कितने राज्यों को हड़प कर लिया गया। इवन निजाम्स मैसूर, तंजौर, अवध, जोधपुर, जयपुर, फाइनली मराठास, इन सब लोगों को सहायक संधि के द्वारा निगल लिया गया था। सबकी हालत खराब हो ही रही थी, एंग्लो मराठा वॉर, एंग्लो मैसूर वॉर, लेकिन सब लोगों को सहायक संधि के द्वारा निगल लिया गया था। वाई? बिकॉज इंडियन, नॉर्मल सी बात है कि यार तुम अपनी पकड़ उस पर मजबूत नहीं बनाओगे, हो सकता है नेपोलियन उनके उपयोग से तुम्हें बेसिकली तबाह कर दे। सो अंग्रेज अपनी पकड़ इंडिया पे मजबूत बनाने की जो ये कोशिश कर रहे हैं ना, उसमें वेलेस्ली का एक बड़ा जबरदस्त कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है थ्रू दिस प्रोसेस ऑफ सब्सिडियरी अलायंस। और कभी मत भूलिएगा कि ये सहायक संधि जो था अपने आप में एक बहुत विचित्र प्रकार की जो संधि थी कि भाई सेना तुम्हारे यहाँ रखेंगे तभी बॉडी तुम्हारी रक्षा करेंगी, कौन सी बात हुई भाई, अरे जब मदद की जरूरत पड़ेगी हम बुला लेंगे तुम चले आना, ना 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 सेना रखेंगे। तो ये जो अंग्रेज कर रहे हैं ना बेसिकली, ये बेसिकली अपने आप को कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसमें नेपोलियन का भय और आतंक छिपा हुआ है, दैट यू हैव टू कीप इन माइंड, ठीक है। मैसूर वगैरह, और ये इसी समय चौथा एंग्लो मैसूर वॉर भी हुआ था, ये वही वॉर था जिसमें टीपू सुल्तान मारे जाते हैं, अपनी राजधानी सेरिंगपत्तनम को बचाते बचाते मारे जाते हैं, और मैसूर भी अंग्रेजों के कब्जे में आता है। तो थोड़ा सा याद रखिएगा, ये जो वॉर वाला मैंने बताया था ना आप लोग को, नहीं शायद वो मैप आगे होगा, मैं दिखा दूंगा कहीं आपको, ठीक है, आगे होगा। तो चौथा एंग्लो मैसूर वॉर का टाइम भी यही था बेसिकली, जो याद रखना है। और सेकंड एंग्लो मराठा वॉर, मराठाओं का सेकंड, तीन एंग्लो मराठा वॉर हुए हैं, चार एंग्लो मैसूर वॉर हुए हैं। मैं जानता हूं कि थोड़ा डिफिकल्ट होता है लेकिन याद करना कि किसके समय क्या हुआ था, लेकिन मैंने सबको सेग्रीगेट करके आपको बताया है, तो बस कॉपी में लिख लेना कि भाई वेलेस्ली के टाइम पे चौथा एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था। बाकी हिस्ट्री में तो हम सारा पढ़ेंगे, अभी बस इतना मैं बता रहा हूँ कि एंग्लो मैसूर वॉर में क्या हुआ था। चौथे में टीपू सुल्तान मारे गए थे, अपनी राजधानी सेरिंगपत्तनम को बचाते बचाते, और मैसूर अंग्रेजों के कब्जे में आ गया था, दैट्स इट, चार, चौथा अंतिम, तो इनके टाइम पे हुआ था। और मराठा वॉर जो हुए हैं ना, एंग्लो मराठा वॉर, अंग्रेजों से मराठाओं की जो भिड़ंत हुई है, तीन हुई है, उसमें से दूसरा वाला वेलेस्ली के टाइम पे हुआ है। पुतिन साहब तुम तो दिखे ही नहीं क्लास में,
आज हिंदू वाली क्लास में आई गेस तुम थे ही नहीं, इट्स ओके, चलो कोई बात नहीं, वीपी, आवर वीपी। तो सेकंड एंग्लो मराठा वॉर, बस इस पर ज्यादा टेंशन ना लेना कि सर कैसे याद रहेगा, इसके समय सेकंड, उसके समय थर्ड, कुछ नहीं यार, बस लिख लो एक बार, बस दैट व्हाट आई एम टेलिंग यू, ठीक है, थोड़ा सा लिख लो, दैट्स इट। अच्छा, सिविल सर्विसेज की दुनिया को कॉर्नवालिस तो आगे बढ़ा ही चुके हैं, एक बात ध्यान रखिएगा, लॉर्ड वेलेस्ली को प्राइमरीली जाना जो जाता है ना, वो बेसिकली इनको जाना जाता है सब्सिडियरी अलायंस के लिए, इसी के लिए जाना जाता है, और सबसे महत्वपूर्ण घटना इनके जीवन काल की, ठीक है, और मतलब संभाला है, काफी कंसोलिडेट किया इस प्रोसेस के तहत, समझ रहे हो कितने प्रिंसली स्टेट्स को इसने कब्जा किया, ठीक है, ये तंजौर, अवध, जोधपुर, मैसूर को कब्जे में कर ही लिया, हैदराबाद के निजाम जो अपने आप में बहुत बड़े लोग थे, ठीक है, हैदराबाद को, इवन मराठाओं को, मतलब एक जबरदस्त संधि अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई, सारी बेसिकली क्या कहते हैं, जो आप कह लो कि जो प्रोटोकॉल्स थे, जो नियम कानून थे, उसमें सबसे ज्यादा जो इंपीरियलिस्ट था, साम्राज्यवादी, जो सबसे ज्यादा एक्सपेंशनिज्म को प्रमोट करता था, दैट वाज दिस सब्सिडियरी अलायंस। और जब भी आप सब्सिडियरी अलायंस पढ़ोगे, आप वारन हेस्टिंग्स की रिंग फेंस पॉलिसी से इसे कंपेयर करते हुए ही पढ़ना, ठीक है। सिविल सर्विसेज की दुनिया को कॉर्नवालिस साहब तो आबाद कर ही चुके थे, फादर ऑफ द सिविल सर्विसेज कॉर्नवालिस साहब, इन्होंने सबसे पहली बार कोशिश की कि चलो भाई जो सिविल सर्वेंट्स बन रहे हैं ना, उनको इंडिया में ट्रेन किया जाए, और इसीलिए जो कलकत्ता का फोर्ट विलियम था, जो कलकत्ता का, जो अंग्रेजों ने जो कलकत्ता का केंद्र, अपनी जो फैक्ट्री बनाई थी फोर्ट विलियम वाला, जो आज भी जो क्षेत्र है, इज द अमेजिंग सॉल्ट लेक वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, अगर कोई वेस्ट बंगाल का होगा तो उन्हें पता होगा, उसी में इन्होंने एक फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी 1800 में। फोर्ट विलियम जो था, जो अंग्रेजों का बेसिकली गढ़ था कलकत्ता में, ठीक है, उसी में एक फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी इन्होंने, जस्ट बिकॉज, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ध्यान रखिएगा, कि जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनको इंडिया में ही ट्रेन करने के लिए। ये आगे चल के बंद हो गया था और फिर से ट्रेनिंग ब्रिटेन में ही शुरू हुई थी, लेकिन आपको ये याद रखना है कि भाई सबसे पहली बार ये प्रयास किसने किया था, तो वेलेस्ली ने किया था। तो मोर और लेस वेलेस्ली को बस इतनी चीजों के लिए आप ध्यान रखिएगा, और इतनी चीज क्या, सिर्फ एक नाम ऐसा है जिसके लिए वेलेस्ली अमर हो गए, एंड दैट वाज अमेजिंगली सक्सेसफुल ड्यूरिंग द ब्रिटिश इंडिया रिजीम, दैट वाज सब्सिडियरी अलायंस, दैट वाज बेसिकली सहायक संधि, धृति दीपा। तो वही, तुम्हें तो सब पता ही होगा, यस धृति दीपा, यू आर फ्रॉम वेस्ट बंगाल, तुम्हें तो सब पता ही होगा, वो सॉल्ट लेक वाला क्षेत्र, वो बेसिकली फोर्ट विलियम वाला क्षेत्र, वहीं अंग्रेजों की फैक्ट्री कलकत्ता में थी। फैक्ट्री मतलब वो कुछ बनता बनता थोड़ी ना था, फैक्ट्री यूज टू बी एन ऑफिशियल साइट, जहां पे आप फैक्ट्री को समझ लो छोटे छोटे पार्लियामेंट हुआ करते थे, वहां से ब्रिटिशर्स सब कुछ हैंडल करते थे, ठीक है, फैक्ट्री को फैक्ट्री मत समझना। तो कलकत्ता तो वैसे ही प्रेसिडेंसी था, तीन प्रेसिडेंसी में अंग्रेजों ने बांटा था ना पूरे भारत को, मतलब पूरे भारत को कैसे बांटा था, मोटा मोटा अगर मैं मान के चलूं कि किसी को हिस्ट्री नहीं आती है तो भी, अंग्रेजों ने पूरे भारत को लगभग कैसे बांटा था, अगर मान लो जल्दी से एक भारत में बनाऊं तो मैं दिखाने के लिए ही सही, जय हो भारत माता की, ठीक से बन जाना, लगभग इंडिया, हंसना मत, मुंह हाथ मत बनाना, ठीक है, अच्छा है, इतना खराब भी नहीं है, अच्छा है, इससे अच्छा बना सकते हो तभी हंसना, अदरवाइज नॉट, ठीक है। तो इसमें क्या किया था इन्होंने, तीन जगहों को, मतलब ये पूरा बंगाल, बांग्लादेश, ये बंगाल वाला क्षेत्र था, ये बॉम्बे, गुजरात, काठियावाड़ वाला क्षेत्र, इंक्लूडिंग दिस गोवा एंड सर्टन पार्ट्स ऑफ द एमपी एंड ऑल, दिस इज बेसिकली बॉम्बे वाला क्षेत्र, और ये आपका पूरा चेन्नई, कर्नाटका और थोड़ा सा केरल वाला हिस्सा, ये आपका था मद्रास वाला क्षेत्र, ठीक है। ये तीन जो थे ना, ये अंग्रेजों के गढ़ थे, इन तीनों को बेसिकली आप कहते थे प्रेसिडेंसी, प्रेसिडेंसी टाउन्स, ठीक है। इसके अलावा क्या था इंडिया में, इसके अलावा जो था इंडिया में, वो छोटे छोटे लगभग 500 के आसपास ये रजवाड़े थे, प्रिंसली स्टेट्स थे, ठीक है, और कुछ चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस थे, लाइक इस दिल्ली वाला एरिया। तो इस तरीके से अंग्रेजों ने भारत को बांटा था, ठीक है। तो इसमें से कलकत्ता वाला जो क्षेत्र था उसकी हम बात कर रहे हैं, यहीं पे वो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना यहीं पे बेसिकली
वेलेस्ली ने की थी कि सिविल सर्वेंट्स को यहाँ पे ट्रेन करें, ठीक है। और अगर कोई देखो प्रिंसली स्टेट को तो वैसे ही इन्होंने अपना गुलाम बना के रखा ही था, गुलाम बना के लगभग 500 रजवाड़े, ये अवध हैं, ये निज़ाम हैं, तो सब लोग तो भाई नतमस्तक थे ही अंग्रेजों के सामने, लेकिन इनमें जो फन उठाता था उसको धो डालते थे। जैसे फन उठाने वाले लोगों में कौन है, मराठास, यहाँ पे मराठास धो दिया, यहाँ पे कौन है, मैसूर की दुनिया, ठीक है, धो दिया, यहाँ पे कौन है, निज़ामों की दुनिया हैदराबाद, धो दिया, यहाँ पे कौन है, सिखों की दुनिया, धो दिया। बाकी लोग तो ऐसे ही तलवार पकड़ के बैठे रहते थे, हम कुछ नहीं करेंगे, हमको कुछ मतलब ही नहीं है। लेकिन ये कुछ लोग जो बड़े बड़े हैं, ठीक है, उनके खिलाफ लड़ाइयाँ हुई हैं, एंग्लो मराठा वॉर, एंग्लो मैसूर वॉर, एंग्लो सिख वॉर, सब पढ़ेंगे हम, समझ रहे हो। तो ये वेलेस्ली की कहानी है। वेलेस्ली एक ही बात के लिए अमर हो गए, और अमर ही नहीं, मतलब इतना सफल इनका ये प्रोग्राम रहा दैट इज रिमेंबर्ड इन द हिस्ट्री ऑफ द ब्रिटिश इंडिया रेजीम, दैट इज सब्सिडियरी अलायंस, ठीक है। तो तीन बिग बी जो ये मैं कह रहा हूँ ना, कि चार बिग बी का नाम लिया। इसमें पहला नाम वेलेस्ली का आ गया, पहला नाम आपका वेलेस्ली का आ गया 1798 से 1805, ये आपको याद रखना है। इसके बाद आप आ जाएंगे विलियम बेंटिक पे, एन अमेजिंग पर्सन, ग्रेट पर्सन, विलियम बेंटिक पे आ जाएंगे, ग्रेट पर्सन, ठीक है। 1857 तक दूसरा फेज जो हमारा था 1857 तक था, तो यहाँ पे चार बिग बी का नाम आपको याद रखना है आफ्टर थ्री गॉडफादर्स। तो इसके बाद हम आ जाएंगे अब विलियम बेंटिक पे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको सबसे प्यारा जो लगता है ना वो मानवता का धर्म लगता है, ठीक है, डिस्पाइट द फैक्ट दैट दे आर क्रिश्चियन और हिंदू और मुस्लिम और सिख और ईसाई, ए ग्रेट लर्नेड पर्सन। अगर सारे गवर्नर जनरल्स और वॉइस रॉयज की लिस्ट में से किसी एक व्यक्ति को अगर आप निकालेंगे और कहेंगे कि ये एक अच्छा इंसान था, तो ही विल बी दिस पर्सन विलियम बेंटिक, ही विल बी दिस पर्सन दैट इज कॉल्ड विलियम बेंटिक। सीमा कुणाल सर की कोई क्लास नहीं है, अभी ये क्लास कर लो, अगर कुणाल सर की क्लास होती तो भाग जाती तुम, मतलब एक तुम्हारे मैसेज करने से पता है ग्रुप में कितनी तबाही होती है कमेंट सेक्शन में, तुम्हारा जवाब देने के लिए 10 लोग आ जाएंगे फिर। नहीं, अगर मान लो कि कुणाल सर की क्लास होती तो क्या होता, यही होता ना कि तुम लोग आधे कुणाल सर की क्लास में चले जाते, नहीं है क्लास मत जाओ। दो क्लासेज अगर कभी कभार पैरेलल हो गई तो क्या हो सकता है, एक को लाइव करेंगे एक को क्या करेंगे, क्यों पूछ रही हो, दैट व्हाट आई एम टेलिंग यू ना। पूछने से क्या होता है, कम्युनिकेशन कन्वर्सेशन शुरू होता है, कमेंट सेक्शन में बिना मतलब की बातें, हाँ सीमा जी, ये सीमा जी, नहीं है, वो है, ये है, यहाँ पे कर रही हो चुपचाप करो, थोड़ी देर में ठीक है क्लास खत्म हो जाएगी, फिर देख लेना क्लास हो रही है कि नहीं हो रही है। क्यों हाइप क्रिएट करना है जिंदगी में हर चीज का। शांति तुम लोगों को अच्छी नहीं लगती है क्या? तो अगर किसी इन सारे लिस्टों में अगर एक व्यक्ति का नाम जो कहा जाए कि हाँ ही वॉज एक्चुअली अ ह्यूमन बीइंग, दैट वॉज दिस विलियम बेंटिक, ठीक है। और बड़े लोग थे, अच्छे लोग थे। देखो दो बातें होती हैं, बड़े लोगों के कुछ जो बड़े लोग होते हैं ना उनकी दो फितरतें होती हैं, एक अमिताभ बच्चन बड़ा होता है, ठीक है, तो उसके बेटे अभिषेक बच्चन जैसे हो जाते हैं, एक इस प्रकार के भी बड़े लोग होते हैं, ठीक है। इस अभिषेक बच्चन को ऐश्वर्या राय जैसी वाइफ मिल जाती है जो पूरी दुनिया के लिए एक एग्जाम्पल है, ठीक है, फिर भी इसका कुछ नहीं होता। कुछ बड़े लोग ऐसे होते हैं, ठीक है, कुछ बड़े लोग विलियम बेंटिक टाइप के भी होते हैं, ठीक है। ही वॉज द फादर, हिज फादर वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ऐसे केसेस में जनरली ये देखा जाता है कि जो पुत्र होता है, ठीक है, वो बेसिकली गुलशन ग्रोअर बन जाता है, ठीक है, मतलब समझ रहे हो, धौस, बट ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। हिज फादर वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, बट स्टिल ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट इनलाइटेंड एंड बेसिकली अ ग्रेट गवर्नर जनरल और वॉइस रॉय इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। बहुत अच्छा पर्सन था, पहले गवर्नर जनरल थे। देखो अब यहां पे एक बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, ठीक है, आई विल टेल यू, जैसे पहले जवाब देना आप लोग इसका, ठीक है,
पहले गवर्नर का नाम पूछा जाए, जैसे ये बात मैं आप लोगों से पूछ लेता हूं यहां पे, फर्स्ट गवर्नर, तो यहां पे आप लोगों का क्या नाम होगा? जल्दी जल्दी बताओ, जैम सेशन है। फर्स्ट गवर्नर, क्लाइव मुंदीप, फर्स्ट गवर्नर क्लाइव आ जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, यहां पे कौन आएगा? ये फर्स्ट गवर्नर बंगाल के ही हैं। फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल में क्लाइव आ जाएंगे। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल में कौन आएगा? हाँ, रॉबर्ट क्लाइव, सबका सही है। वॉरेन हेस्टिंग्स, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल में वॉरेन हेस्टिंग्स आ जाएंगे, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ठीक है। अब याद रखना है कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, अभी तक बेसिकली जो ये गवर्नर जनरल बंगाल का था ना, ठीक है, ये बेसिकली अब गवर्नर जनरल पूरे इंडिया का माना जाएगा। और ऐसे में पहला नाम आपको याद रखना है विलियम बेंटिक। ऐसे में पहला नाम जो आपको याद रखना है, दैट वॉज बेसिकली विलियम बेंटिक। यस दिव्या वैदेही प्रवीण, एकदम सही बात है, ठीक है। दैट नेम इज बेसिकली विलियम बेंटिक। पिताजी प्रधानमंत्री, लेकिन बेटा भी उतना ही ग्रेट, इनलाइटेंड एंड प्रोग्रेसिव सोच विचारधाराओं वाला व्यक्ति पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना। और जैसे ही ये बेसिकली गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना, ठीक है, जैसे ये पूरे इंडिया का गवर्नर जनरल बन गया, आप समझ लो ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू प्रेसिडेंट, ठीक है। जो प्रेसिडेंसी सिटीज बचे ना, प्रेसिडेंसी जो तीन अंग्रेजों के गढ़ बचे, दैट वाज बंगाल, मद्रास और बंगाल मद्रास और कौन हो गया, बॉम्बे। जैसे ही ये बेसिकली गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने, इन तीनों प्रेसिडेंसी में अब कौन आ गया? इन तीनों प्रेसिडेंसी में अब रहने लगेंगे गवर्नर। और ये गवर्नर बेसिकली गवर्नर जनरल के नीचे काम करेगा, ये गवर्नर जनरल के द्वारा ही नियुक्त किया जाएगा। मतलब कुल मिला के व्यवस्था कैसी हो गई, जैसे ही ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने, जैसे ही बेसिकली ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने, तो अब जो तीनों प्रेसिडेंसी बचा आपका, बॉम्बे, बंगाल और मद्रास, यहां पे कौन हो गया? यहां पे अब आ गए गवर्नर्स, यहां पे अब आ गए गवर्नर्स। और ये गवर्नर जब अब ओहदे में क्या हो गए, इससे हो गए छोटे। और इनकी नियुक्ति भी कौन करेगा? नियुक्ति भी इनका कौन करेगा? इनकी नियुक्ति भी कौन करेगा? नियुक्ति गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा। मतलब गवर्नर जो हो गए, इनकी शक्तियां अब गवर्नर जनरल के ऑफ इंडिया के नीचे आ गई। ट्राई टू अंडरस्टैंड। और ये गवर्नर ऑफ जनरल ऑफ इंडिया अब पूरे भारत के लिए काम करेगा। धीरे धीरे सिस्टम को भी समझते चलो कैसे एक्सपैंड हुआ है। यही गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया 1857 की क्रांति के बाद, यही गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया 1857 की क्रांति के बाद वायसराय के नाम से जाना जाएगा। और भी बहुत बड़े परिवर्तन होंगे, बट अभी स्लोली एंड ग्रेजुअली इस तरीके से देखेंगे। तो प्रेसिडेंसी में कौन आ गया? गवर्नर आ गए। उन गवर्नर की नियुक्ति भी कौन करेगा? गवर्नर जनरल ही करेगा। और इस प्रकार गवर्नर का जो पद है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के नीचे आता चला गया, इन्फीरियर हो गया। ऐसे पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने आपके विलियम बेंटिक, दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। बड़े अच्छे इंसान थे, मैं बार बार कह रहा हूं कि वेरी लर्नेड पर्सन। राजा राम मोहन रॉय के साथ मिलकर, देखो ये जो 19th सेंचुरी है ना, ये इंडियन रेनाशा का भी टाइम कहा जाता है। 19th सेंचुरी का टाइम क्या है इनका टाइम, 1825 से लेकर 1835, तो ये बेसिकली 19th सेंचुरी का टाइम है, 19वीं शताब्दी का टाइम है। इसे भारतीय पुनर्जागरण का समय भी कहा जाता है। इसे भारतीय पुनर्जागरण मतलब इंडियन रेनाशा का टाइम भी कहा जाता है। अगर रेनाशा का मतलब पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो बस इतना सा ध्यान रखना, रेनाशा मतलब जब एक समाज अपने आप की कुरीतियों को दूर करने के लिए स्वयं आगे बढ़ता है, ऐसे समाज, ऐसे सामाजिक स्थिति को आप पुनर्जागरण की स्थिति कहते हो, रेनाशा कहते हो। तो 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी का थोड़ा सा समय, लगभग प्राइमरीली 19वीं शताब्दी, ये बेसिकली रेनाशा का समय माना जाता है इंडिया में। ऐसे जितने भी आप लोगों ने नाम सुने हैं, राजा राम मोहन रॉय, दैट इज RRR,
ईश्वर चंद्र विद्या सागर दैट इज वेस्ट बंगाल, राजा राम मोहन रॉय दैट इज वेस्ट बंगाल, उसके बाद आप कह लो तो बहुत सारे नाम, दयानंद सरस्वती ठीक है ये गुजरात वाले क्षेत्र में थे, विवेकानंद बेसिकली जो जो भी आप नाम सुनते हो, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन रॉय ठीक है, आत्माराम पांडुरंग, ये सब सोशल रिफॉर्मर्स का नाम आप लोग सुनते हो, हेनरी विवियन डोरेजियो ठीक है, सत्यशोधक समाज, ज्योतिबा फुले, मतलब ऐसे जितने भी आप नाम सुनते हो, दे आर वॉट, पढ़ेंगे हम सब, दे वेयर द सोशल रिफॉर्मर्स, इन्होंने भारत के समाज में व्याप्त कुरीतियों को समाप्त करने की कोशिश की थी। कौन सी कुरीति? भारत एकदम कॉन्जर्वेटिव था, हम लोग बहुत खत्म टाइप के लोग हो चुके थे, भिखारी तो हो ही चुके थे, अंधविश्वास, धर्म, जाति, भेदभाव, रंग रूप, अंधविश्वास, इन सब में इतने लिप्त तो हो गए थे। यू नो डफरिन की एक स्टेटमेंट है, मैं आगे आपको बताऊंगा, लॉर्ड डफरिन अगर आप लोगों ने नाम सुना हो, कांग्रेस के समय जब कांग्रेस बना था उस समय के वाइसरॉय थे, कि भाई वो एक ऐसे वाइसरॉय थे ना लॉर्ड डफरिन ठीक है, जो भारत के इस प्रकार के कल्चर के जादू टोने में आ गए थे, मतलब पगला गए थे, शॉर्ट ऑफ साधु संतों की बातों में फेसी गई, जो औघड़स होते हैं ना उनसे, मतलब बड़ी गजब कहानी है, मैं बताऊंगा आप लोगों को जब आगे चल के पढ़ेंगे हम ठीक है। तो एनीवेज, तो ये पुनर्जागरण का समय, जो सारे समाज सुधारक है, राजा राम मोहन रॉय टाइप, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, सुनते हुए सब, ये सब ये वही टाइम है 19वीं शताब्दी का। दैट व्हाट इज बीइंग टोल्ड, कि इन्होंने उस समय राजा राम मोहन रॉय के साथ मिलकर ठीक है, बेंटिक साहब ने ठीक है, बहुत सारी कुरीतियों को दूर करने में काफी मदद, अहम भूमिका निभाई थी। क्या? अंधविश्वास को, जो अंधविश्वास से संबंधित बेसिकली प्रैक्टिसेस थी ठीक है, जैसे सती को इन्होंने समाप्त किया था, विडो सती, सती प्रथा, इसमें बेसिकली विधवा अगर पत्नी मरी तो पति के साथ जल जाएगी, वाह वाह वाह, एक बरताली जरूर बजाना ठीक है। भ्रूण हत्या, फीमेल इन्फेंटिसाइड, भ्रूण हत्या वही बेटा बेटी वाला चक्कर ठीक है, भ्रूण हत्या या फिर अंधविश्वास ठीक है, बट ऑल्सो पनिसेबल ऑफेंस, ठगी को इन्होंने समाप्त, ठग जो होते थे ठीक है, भ्रूण हत्या, ठग, सती प्रथा, इन सब चीजों को दूर करने की विलियम बेंटिक ने बहुत इसमें सार्थक प्रयास किए थे। तुम कहोगे कि भाई सर इसलिए कहा जा रहा है ना कि ही वॉज लाइक क्वाइट अ नाइस काइंड ऑफ पर्सन, डिड मेनी थिंग्स फॉर द इंडिया। राजा राम मोहन रॉय के साथ मिलकर ये कारनामे करने की विलियम बेंटिक को क्या जरूरत थी? देखो इसकी वजह से भी दिक्कतें थी। देखो हमारे अंधविश्वास को दूर करने के लिए जब विलियम बेंटिक आगे बढ़ रहे हैं, क्यों आगे बढ़ रहे हैं? कि भाई हमारे अंधविश्वास को ये दूर करेंगे, तो इस प्रथा को समाप्त करो, उस प्रथा को समाप्त करो। इसका इसका दो मतलब है, एक तो भाई बड़ा इनलाइटेंड थॉट है, बड़ा इनलाइटेंड थॉट है और बड़ा नोबल थॉट है, आप ये बात कह सकते हो। दूसरी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती थी कि इंडियंस को ये भी लगने लगता था कि हमारे कल्चर में ये लोग इंटरफेयर कर रहे हैं, ये इनकी साजिश है, नहीं मानेंगे इनकी बात ठीक है। मतलब अंग्रेज बेसिकली हमें अगर सही से भी सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, डेफिनेटली अगर सती प्रथा को समाप्त किया, भ्रूण हत्या को समाप्त किया, ठगी व्यवस्था को समाप्त करने में सहायक भूमिका निभाई, तो एक प्रॉब्लम, एक ग्रेट डिलेमा अंग्रेजों के साथ ये भी हो जाती थी कि अंग्रेजों को, इंडियंस के, हाँ अंग्रेजों को एक ग्रेट डिलेमा ये भी हो जाती थी कि भाई इंडियंस ये सोचने लगते थे कि ये बेसिकली कोई बुराई बुराई नहीं, हमारी कल्चर में इंटरफेयर कर रहे हैं ठीक है, क्योंकि इनका मकसद है हमें कन्वर्ट कर देना ईसाई धर्म में, इसलिए इनका बात हम नहीं मानेंगे। तो मतलब वो कहते हैं ना कि भाई जब सबसे पहले जब 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 विनाश मनुष्य पे आता है, सबसे पहले विवेक मर जाता है, मतलब यानी हमें ये कहीं से भी अंदाजा नहीं है कि हमारा कर्म का जो स्टैंडर्ड है वो क्या है, लेकिन हम क्या सोचने लगते हैं ठीक है कि भाई ये आदमी गलत कर रहा है, ये जबरदस्ती हमारे रीति रिवाज को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। सुना ये, जब विनाश मनुष्य पे आता है सबसे पहले विवेक मर जाता है, ध्यान रखिएगा, विवेक मतलब द पावर टू थिंक। इंसान जब भी गुस्से में होता है वो पागल ही होता है ना, एंगर इज एन इंस्टेंटेनियस मैडनेस, इज नथिंग एल्स, विनाश काले विपरीत बुद्धि। हाँ वैदेही, वही वाली बात है, उसी को मैंने थोड़ा सा एक दोहे के रूप में बोला ठीक है। तो मन को शांत रखना सीखो, अभी सीमा क्लास ये कर रही है, अरे सर कुरान सर की क्लास, अरे सर सुमित सर, ये मन में जो पागलपन है ना इसको थोड़ा शांत करके रखो। यस, रामधारी जी दिनकर सिंह की लाइन्स हैं। अच्छा, विलियम बेंटिक के बारे में और याद रखो, इनको और भी बहुत बेहतरीन बातों के लिए जाना जाता है। जैसे देखो
इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन, अंग्रेजों ने भारत को अंग्रेजी पढ़ाना शुरू किया। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई सब कुछ ही अच्छा ही कर रहे हैं, अंग्रेजी पढ़ाना शुरू किया, इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट किया यहाँ पे, इसका श्रेय भी बेसिकली विलियम बेंटिक को ही जाता है। मैक्यूले मिनट का एक नाम लिया जाता है, लॉर्ड मैक्यूले एक बड़े जबरदस्त टाइप के व्यक्ति थे, ब्रिटिश व्यक्ति, जिनकी अध्यक्षता में एक मैक्यूले समिति बनी और इसी मैक्यूले समिति ने पहला एजुकेशन के ऊपर जो रिकमेंडेशन किया, उसी के बाद भारत में बेसिकली अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत हुई। इसको भी कुछ लोग ऐसे मानने लगे कि अरे हम तो अंग्रेजी नहीं पढ़ेंगे, हम तो हिंदी संस्कृत ही पढ़ेंगे, मत पढ़ो। कुछ लोग डेफिनेटली, जैसे इवन द ग्रेट पर्संस ऑफ इंडिया लाइक एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम राजा राम मोहन रॉय, ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इन लोगों ने भी इंग्लिश एजुकेशन को सपोर्ट किया। वाई? बिकॉज ये आने वाले समय की जरूरत है, हमें किसी भी कल्चर का अच्छा वाला हिस्सा सीखने में क्या दिक्कत है। लेकिन नॉर्मल सी बात है, जाहिलों की हम कौन थे। तो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल ने इसको भी बेसिकली क्या लिया कि ना हम तो हिंदी ही पढ़ेंगे, हम तो यही पढ़ेंगे, अहम गृहम गच्छामी, इसी से मेरा जीवन सार्थक होगा, समझ रहे हो। बट खैर कोई बात नहीं, अभी जब हिस्ट्री की क्लास शुरू होगी बहुत ज़बरदस्त एक एनालिसिस मैं आपको सामने लेके आऊँगा, ट्रस्ट मी, हिस्ट्री को मैं आपका फेवरेट सब्जेक्ट बनाऊँगा इन NCERT, दैट्स माई वर्ड टू यू। जो भी लोग मेरे से पहली बार हिस्ट्री पढ़ेंगे उनको मैं कह रहा हूँ, बाकी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने पहले भी पढ़ा हुआ है। ब्रिटिश अपने लिए, अपने फायदे के लिए इंग्लिश, अब देखो ये वही वाली बात है, देखो ये जो जाहिलपनी की बात कर रहा हूँ ना मैं, ये वही रोहित, देखो साक्षात उदाहरण अभी आ गया 2023 में, तो सोचो 1857-1820 में क्या हो रहा होगा। ठीक है बाबू रोहित, एक बात बताओ मुझे, ठीक है, एक लड़का है राम, एक लड़का है श्याम, जवाब तुम्हें खुद मिल जाएगा। ठीक है, राम अगर श्याम का कोई काम करता है, श्याम एक काम प्रपोज करता है, ठीक है, राम के लिए वो काम नहीं है, उस काम के होने से डेफिनेटली राम श्याम का ही फायदा होगा, लेकिन राम अगर वो काम कर देता है तो राम का भी फायदा होगा। फिर से सुनो मेरी एनालॉजी, फिर से सुनो, दो लड़के हैं यहाँ पे, मैं साफ साफ बताता हूँ, जवाब रोहित को खुद ही मिल जाएगा। ठीक है, दो लड़के हैं, एक का नाम है राम, एक का नाम है श्याम। श्याम एक काम प्रपोज करता है कि भाई ये काम मुझे करना है, राम को नहीं कहता है, ये काम करेंगे, ठीक है, और इस काम के होने से श्याम को फायदा होगा। ठीक है, राम अलग से देखता है कि भाई अगर मैं ये काम कर लूं तो मुझे भी फायदा होगा। श्याम को तो फायदा होगा, वो होगा ही। अब आप मुझे बताओ, राम को ये काम करना चाहिए कि नहीं? यस और नो? समझ गए रोहित, समझ गए ना? तो सोचो तुम 2023 में जब तुम ये सोच लेके बैठे हो, ठीक है, तो 1820-25 का भारत क्या सोचता होगा, महसूस करना, बता दो ना राम को ये काम करना चाहिए कि नहीं। आप लोग तो एथिक्स भी पढ़ोगे ना, क्या दिक्कत क्या है, क्यों नहीं करना चाहिए? अगर राम को इस काम करने से किसी प्रकार का नुकसान हो नहीं रहा है, श्याम को एक फायदा हो रहा है, तो ये तो बहुत थर्ड क्लास फीलिंग है ना, कि मैं अपना फायदा भी नहीं देखूंगा, मैं श्याम को फायदा नहीं होने दूंगा। दिस इज कॉल्ड जेलेसी, इसको जेलेसी कहते हैं, इसको नीचता कहते हैं, इसको बेवकूफी कहते हैं। ठीक है, चलो यहां पे देखिए, अब रोहित आई होप यू वुड हैव गॉट द आंसर। अंग्रेज बेसिकली, अंग्रेजों ने हमें अंग्रेजी पढ़ाने की शुरुआत की, चलो मान लेते हैं कि इससे उनका फायदा हुआ। उनका क्या फायदा हुआ? उनको यह फायदा हुआ कि उनके 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 लैंग्वेज की जानकारी उनके लोगों को होने लगी, तो उनके क्रियाकलाप में बेसिकली कुछ सुधार आने लगा, उनके ऑफिशियल, उनके शासन प्रशासन में थोड़ी हेल्प मिलने लगी, थोड़ा इंग्लिश सीखने के बाद इंडियंस भी इंग्लिश वेस्टर्न मेंटालिटी को समझने लगे। बहुत सारे लोग बेसिकली हिप्पी कट, और वो पुरानी फिल्मों में देखते हो ना, 1.5 किलोमीटर की मोहरी, इतना छोटा छाती पर से शर्ट, इस टाइप के लोग, और इतना बड़ा बड़ा कनपट्टा, हिप्पी कल्चर, ठीक है, एंड सिगरेट धुआं उड़ा रहे हैं। सायरा बानो की फिल्म देखना कभी, पूरब और पश्चिम, ठीक है, अपने टाइम की करीना कैटरीना कैफ, ठीक है, एकदम धुआं हाथ में, विस्की का ग्लास, ठीक है, एंड वही वेस्टर्न आउटफुट, गोल्डन फ्लॉक्स ऑफ हेयर्स, एंड विद अ
लॉन्ग सिगार, और वो बेसिकली आज से 50 साल पहले की फिल्म, अपने समय की बहुत आगे की एक्ट्रेस थी सायरा बानो, पूर्व और पश्चिम, तो वो हिप्पी कल्चर, ठीक है, वो वैसे लोग भी कुछ बने, नमूने वैसे नमूने भी बने, लेकिन तुम एक बात बताओ राहुल कि ये अंग्रेजों के होने वाले फायदे हैं, कुछ लोग अंग्रेजों जैसे सोचने लगे, अंग्रेजों को हेल्प मिलने लगी, अंग्रेजों के शासन प्रशासन में ठीक है मदद मिलने लगी, ठीक है ये अंग्रेजों को फायदा हो रहा है, लेकिन एक फायदा तुम्हें भी हो रहा है कि तुम भी बेसिकली अपडेट हो रहे हो, तुम भी बेसिकली मॉडर्नाइज हो रहे हो, तुम भी बेसिकली मॉडर्नाइज हो रहे हो, तुम भी अपडेट हो रहे हो, तो तुम्हें अंग्रेजी सीखना चाहिए कि नहीं? आई होप यू वुड हैव गॉट द आंसर, आई होप यू वुड हैव गॉट द आंसर। राजा राम मोहन राय जैसे लोगों ने, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे लोगों ने, विवेकानंद जैसे लोगों ने प्रोग्रेसिव कल्चर को सपोर्ट किया, इंग्लिश एजुकेशन को सपोर्ट किया, कि जो जाहिलों की हमारी कौम उस समय बैठी हुई है, ठीक है, हाँ मेरा जूता है जापानी। राज कपूर तो मेरी मतलब, अगर मैं बॉलीवुड में मुझे से बोलोगे ना कि आप अपने सर 3 फेवरेट नाम बताओ, मतलब डायरेक्टर कोई भी 3 सुपर इंसानों का नाम बॉलीवुड में बताओ, तो मैं बताऊंगा 1 नंबर पे राज कपूर, 2 नंबर पे राज कपूर और 3 नंबर पे राज कपूर, इज माई टॉप फेवरेट, आई एम बिग फैन। अगर बॉलीवुड में कोई एक नाम जो मुझे, जिसने मुझे प्रभावित किया है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैं ही सिकंदर हूँ, बट दैट इज बेसिकली राज कपूर, चाहे वो मेरा जूता है जापानी हो, चाहे वो सत्यम शिवम सुंदरम हो, चाहे वो तीसरी कसम हो, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, ना हाथी है ना घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है, ठीक है, या फिर सजनवा बैरी बैल हमार, ठीक है, पान खाए सैया हमार, मतलब अमेजिंग, यू वॉज अ क्लास अपार्ट, मेरा नाम जोकर, जीना यहाँ मरना यहाँ, यू नो, ठीक है, मतलब अमेजिंग पर्सन नहीं, ये कुछ ऐसे लोग होते हैं ना समय से आगे के लोग होते हैं, सच अ पर्सन वॉज दैट राज कपूर, ठीक है। एनीवेज चलो राज कपूर में मत जाओ, ठीक है, वहाँ पे जाओगे तो मैं थोड़ा सा भावुक हो जाता हूँ, ही इज द ओनली वन नेम हु हैज इन्फ्लुएंस्ड मी इन द बॉलीवुड, ठीक है। तो डेफिनेटली इंग्लिश एजुकेशन को इन्होंने प्रमोट किया, इंग्लिश एजुकेशन को कैसे, लॉर्ड मैक्यूले साहब एक व्यक्ति याद रखना, ठीक है, लॉर्ड मैक्यूले, एजुकेशन की जब भी बात करोगे ना तो 2 नाम बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। लॉर्ड मैक्यूले की अध्यक्षता में एक समिति बनी और इन्होंने एक भाषण दिया, उसको कहते हैं मैक्यूले मिनट, इन्हें कहा जाता है मैक्यूले मिनट। मैक्यूले मिनट में बेसिकली इंग्लिश एजुकेशन को इंडिया में प्रमोट करने की बात की गई। आगे चल के एक वुड्स डिस्पैच आएगा, चार्ल्स वुड, वुड्स डिस्पैच, भारत में अंग्रेजी शिक्षा को प्रमोट करने के लिए 2 नाम सबसे महत्वपूर्ण थे, ठीक है, दैट इज मैक्यूले मिनट, और आगे चल के आएगा डलहौजी के टाइम में वुड्स डिस्पैच। तो वुड्स डिस्पैच छोड़िए, लॉर्ड मैक्यूले की अध्यक्षता में बेसिकली मैक्यूले मिनट, मैक्यूले मिनट मतलब मैक्यूले का भाषण, मिनट छोटा सा, इसमें बेसिकली 1835 था ये, और इसी में इंग्लिश एजुकेशन को इंडिया में प्रमोट करने की बात की गई थी, दैट वॉज ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द विलियम बेंटिक, ठीक है। ये आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी, इंडियन पेनल कोड, सिविल प्रोसीजरल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजरल कोड, इन सब चीज़ों का बेसिकली कोडिफिकेशन वगैरह तो कॉर्नवालिस के समय ही हो गया था, लेकिन इस काम को पूर्ण रूप से अंजाम दिया गया बेंटिक के समय, मतलब द इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ दिस आईपीसी, सीपीसी, सीआरपीसी। आगे चल के 1860 में ये कंप्लीट हुआ था लगभग, ठीक है, लगभग 1860 छोड़ो, आगे चल के कंप्लीट हुआ था, लेकिन ये सब बेसिकली इसको कंप्लीट करने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी इसका 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 श्रेय विलियम बेंटिक को जाता है। और यहाँ पे फिर से आपको नाम याद रखना है, इन्होंने ही पहला लॉ कमीशन बनाया था, विधि आयोग, पहला लॉ कमीशन विलियम बेंटिक ने ही बनाया था, एंड दैट वाज आल्सो अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ दिस मैक्यूले। इन्होंने ही बेसिकली इसी कमीशन के रिकमेंडेशन पे आईपीसी, सीपीसी और सीआरपी जैसे, ठीक है, कॉम्प्लेक्स इंट्रिकेट टास्क को कंप्लीट करने की ओर काम करना शुरू किया गया था, ठीक है। सो इन सारी चीजों के लिए आप लोग विलियम बेंटिक को याद रखिएगा, खास करके दिस एजुकेशनल रिफॉर्म्स एंड दिस लॉ रिफॉर्म्स, ठीक है, और समाज सुधार के क्षेत्र में जो ये सबसे महत्वपूर्ण काम भारतीय समाज सुधारकों के साथ मिलकर बेंटिक ने किया था, इसी के लिए इनको जाना जाता है, ठीक है। 3 सबसे, भारत को पढ़ाने की, कुल मिला के इन्होंने क्या कोशिश की, भारत को पढ़ाने की कोशिश की, कुल मिला के इन्होंने क्या करने की कोशिश की, भारत में लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था को बेहतर करने की कोशिश की, कुल मिला के इन्होंने क्या कोशिश की,
भारत में भारतीय समाज को सुधारने की कोशिश की, सती प्रथा को समाप्त करके, ठीक है, ठगी व्यवस्था को समाप्त करके, भ्रूण हत्या को समाप्त करके, डिस्क्रिमिनेशन पर रोक लगाकर। सो आप समझ लो इन सारी बातों से कि ये किस प्रकार के व्यक्ति थे उस समय के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के पुत्र साहब, दैट वॉज दिस विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक के समय ये दो शब्द लगभग भारत के हर एग्जाम में न जाने कितनी बार पूछे जा चुके हैं। याद रखिएगा, एक मैक्यूले मिनट 1835, दिस वॉज ऑल्सो द पीरियड ऑफ बेसिकली वॉट विलियम बेंटिक एंड द फर्स्ट लॉ कमीशन, पहला विधि आयोग, दैट वॉज ऑल्सो द टाइम ऑफ दिस विलियम बेंटिक 1833। तो कुल मिला के बेंटिक को ऐसे ही अनफोल्ड करना है, ठीक है, विलियम बेंटिक को समराइज ऐसे ही करना है। एंड में विलियम बेंटिक को समराइज ऐसे ही करना है। भारत को इन्होंने पढ़ाने की कोशिश की, पढ़ाने के लिए क्या काम किया, मैक्यूले मिनट याद रखना है 1835 वाला, ये क्या है मैं आपको बता चुका हूं, अंग्रेजी एजुकेशन की शुरुआत हुई यहां से। उसके बाद समाज सुधारने का इन्होंने काम किया, समाज सुधारने का, भारतीय समाज सुधारकों के साथ मिलकर, जिसमें राजा राममोहन रॉय की बहुत बड़ी भूमिका थी, फीमेल इन्फेंटिसाइड को समाप्त करना, ठगी को समाप्त करना, सती प्रथा को समाप्त करना, ये सब बेसिकली इन्हीं के टाइम पे हुआ था। उसके बाद बेसिकली इन्होंने पहला लॉ कमीशन, पहले विधि आयोग की स्थापना की थी, और इस विधि आयोग के भी जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, मैक्यूले साहब ही, मैक्यूले कमीशन ही इसे कहा जाता है। और इसी के अंतर्गत आईपीसी, सीआरपीसी एंड सीपीसी, ये सब काम कंप्लीट हुए थे या कंप्लीट होते होते होने की तरफ बढ़े थे। पहले लॉ कमीशन की स्थापना इन्होंने की थी। इन सब का कोडिफिकेशन तो कॉर्नवालिस के टाइम से ही शुरू हो गया था। सो इस तरीके से आप विलियम बेंटिक को वाइंड अप करोगे, अनडाउटेडली अ ग्रेट इनलाइटेंड, सॉफ्ट एंड अ विजनरी पर्सन विथ प्रोग्रेसिव थॉट्स वॉज दिस विलियम बेंटिक। बेंटिक साहब के बाद जो नाम आपको याद रखना है, एक महान शातिर व्यक्ति, दैट इज कॉल्ड लॉर्ड डलहौजी, 1848 से 1856, और ध्यान रखिएगा 1857 में क्रांति हो जाएगी, 56 के बाद एक और व्यक्ति छोटे मोटे आएंगे जिनको हमें याद रखना है, लॉर्ड कैनिंग। तो ये जो मैंने बोला ना कि थ्री फाउंडिंग फादर्स के बाद बेसिकली फोर बिग बी को याद रखना है, इस फोर बिग बी में मैंने दो नाम आपको आज पढ़ा दिया, दैट इज बेसिकली योर, पहला नाम कौन था, लॉर्ड डलहौजी के पहले, सॉरी उसके, हाँ, वेलेस्ली, वेलेस्ली, और उसके बाद बेसिकली हमने देखा विलियम बेंटिक। अब दो नाम बच जाएंगे आपके, दैट इज डलहौजी एंड दिस लॉर्ड कैनिंग। ये हम करेंगे अब मे बी कल, कल की क्लास में, आज ही के लिए इतना ही, ठीक है। फेस देख के समझ में आ रहा है ना, था निकिता, ये शातिर था, बहुत शातिर, द ग्रेट इंपीरियलिस्ट, लेकिन बहुत सारे काम भी इसने किए हैं, रेलगाड़ी से लेकर पोस्ट ऑफिस तक बहुत सारे काम किए हैं। डलहौजी का टाइम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए स्वर्णिम युग था, ठीक है। चलो निकलो, जाने से पहले टेलीग्राम चैनल अगर कोई नया होगा तो ये ज्वाइन कर लेना, यहीं पे आपसे मैं कम्युनिकेट कर पाऊंगा। और ये मेरा एडुकेटर कोड है, सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक वाइक कर दिया करो। 50% वाला जो ये ऑफर चल रहा है वो आज तक है, ध्यान रखिएगा ये ऑफर आज तक है, ठीक है, आज तक ये ऑफर है। नए नए बैचेस पीटी मेन सबकी शुरू हो चुकी है। अगर आपको सब्सक्रिप्शन के दौरान ऐसा है कि मेरी पर्सनल मेंटरिंग चाहिए तो भूलिएगा मत, और ये मेरा कोड याद रखिएगा AR101, इसको यूज आप करेंगे तभी आपको मेरी पर्सनल मेंटरिंग मिलेगी, नहीं तो नहीं दे पाऊंगा मैं। अदरवाइज हमारी बातें ऐसी हो सकेंगी या तो फिर यूट्यूब के क्लास में, क्योंकि प्लस पर पर्सनली मैं आपसे कनेक्ट नहीं हो पाऊंगा, आप मेरे प्लस ग्रुप का हिस्सा नहीं बन पाएंगे, ठीक है, और पर्सनल इंटरेक्शन पॉसिबल नहीं होगा, बिकॉज इट इज अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ द अनअकैडमी। सब्सक्रिप्शन आप EMI वगैरह के थ्रू अगर लेना चाहते हो ना, ठीक है, तो आप ध्यान आराम से ले सकते हो, क्योंकि ये इंटरेस्ट फ्री होता है। और ये कैसे क्या करना है इस पर खुद मगजमारी करने की ज़रूरत नहीं है, आप टेलीग्राम चैनल इसलिए कहता हूँ, उस पर मुझे मैसेज करो। अगर आपने डिसाइड कर लिया कि आप मेरा कोड यूज़ करोगे, अगर आपको EMI चाहिए तो फिर मेरे से बात कीजिए, टॉक टू मी ऑन द टेलीग्राम, आई विल सॉर्ट इट आउट फॉर यू, ठीक है। अपने एंड से भी ये सब काम आप लोग कर सकते हैं, अगर कैश पेमेंट के थ्रू करना है, EMI क्रेडिट कार्ड अगर है तो खुद से भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपको लोन के लिए कोई मदद चाहिए तो मैं यहाँ पे हूँ। इन एनी केस आपको इंटरेस्ट पे नहीं करना होता है। थैंक यू वेरी मच। दो सेशंस करंट अफेयर्स के छोटे छोटे हैं, बहुत ज़बरदस्त, एक 2:30 बजे और एक 4:30 बजे, उन सेशंस में मैं आप लोग को देखना चाहता हूँ। 2:30 बजे दिल्ली वाला मुद्दा हम हैंडल करेंगे,
दिल्ली में जो नवाबी चल रही है उसको, और 4:30 बजे एक बड़ी अमेजिंग सी सेशन है, ठीक है, डॉग्स के ऊपर, वो आप लोग जरूर करेंगे, दोनों करिएगा। ये छोटे छोटे सेशंस के लिए एक सेपरेट कॉपी बना के इनको कलेक्ट कीजिए, आपको यकीन नहीं होगा कि 6 महीने के बाद ये कॉपी कितना प्रेसियस होगा आपके लिए। ठीक है, अभी के लिए इतना ही गाइस, 2:30 बजे करंट अफेयर्स वाले सेशन में मिलते हैं। दो सेशन है, दोनों करना है आप लोगों को, एक 2:30 बजे, एक 4:30 बजे। 2:30 बजे वाला दिल्ली के ऊपर है, 4:30 बजे वाला डॉग के ऊपर है। बड़ी अनोखी बात मैं आपको बताऊंगा वहां पे, और वेरी यूजफुल ऑल्सो। ठीक है, अभी के लिए इतना ही गाइस, बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद, टेक केयर।